অ্যাপলের সতর্কতা ভুয়ো শেষ দেখে ছাড়বে সরকার। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই সরকার এই সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অ্যাপল প্রায় 150টি দেশের মানুষকে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছে। অ্যাপল স্পষ্ট জানিয়েছে তাদের ফোন কেউ হ্যাক করতে পারবে না। ঘটনাটি প্রযুক্তি সংক্রান্ত, তাই কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি সংস্থা এবং তদন্তকারী সংস্থাকে বিষয়টি তদন্ত করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা এর জন্য সরকারের দিকে আঙুল তুলছেন তারা শুধু রাজনীতিই করতে চান, দেশের উন্নতি তারা দেখতে চান না, এমনটাই মন্তব্য কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের। कुछ ऑनरेबल MPs और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं।